हाई स्टूडेंट्स टुडे आई एम टेलिंग यू द शॉर्ट समरी ऑफ मिसेस पैकेटाइट्स टाइगर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सो द समरी इज मिसेस पैकलेटाइट्स टाइगर इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय साकी हु रियल नेम वाज हैक्टर हर्ग मुंडरो राइट ये एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि साकी ने लिखी है इनका पूरा नाम हैक्टर हर्ग मुंड्रो है इन्हें स्टोरी साकी सेट्रेस द हाइपोक्रेसी जेलिसी एंड रेवरी दैट रूल द लेडीज ऑफ हाई क्लास सोसाइटी इस स्टोरी में जो साकी हैं उन्होंने हाई क्लास सोसाइटीज़ की लेडीज़ के नेचर के बारे में बताया है कि वो किस तरीके की होती हैं इसमें थ्री वर्ड्स गिवन है हाइपोक्रेसी मींस कि शो ऑफ करना जेलिसी आपको पता है नफ़रत करना एक दूसरे से जलना एंड द रेवरी दुश्मन होना एक दूसरे को देखना नहीं बिल्कुल भी एक दूसरे की बातों से जलना या एक दूसरे की कोई चीज़ खरीद ली है उससे जलना तो एक एनिमी की तरह बिहेव करना सो मिसेस पैकेटाइड एंड लूना बिमंटन बिलोंग टू अ हाई क्लास सोसाइटी तो ये जो दोनों लेडीज़ थी मिसेस पैकेलेटाइड एंड लूना बिमंटन ये दोनों लेडीज़ बहुत हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती थी और ये पूरी स्टोरी इन दोनों ही कैरेक्टर पर घूम रही है दे आर राइवर्स टू ईच अदर ये एक दोनों के ये एक दूसरे के दुश्मन थे दे आर वेरी कंसिटेड लेडीज एंड वॉन्ट टू आउटशाइन ईच अदर दे आर वेरी कंसिटेड मीन्स होता है प्राउडी बहुत प्राउडी लेडीज थी और हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी मिसिज पैकेटाइट कैन गो टू एनी एक्सटेंट एंड पे एनी प्राइज टू आउटशाइन लूना बेमंटन और मिसज पैकेलेटाइट किसी भी कीमत तक किसी भी हद तक वो लूना बेमंटन के सामने आउटशाइन करना चाहती थी यानी अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहती थी शी वेस्ट वन थाउजेंड रुपीज़ इन एन एफर्ट टू अंडू लूना बेमटन्स एडवेंचर बाई किलिंग अ टाइगर और उन्होंने क्या किया वन थाउजेंड रुपीज़ को वेस्ट कर दिया टू अंडू लूना बेम्ट एडवेंचर बाई किलिंग अ टाइगर एक शेर टाइगर को मारने के लिए उन्होंने वन थाउजेंड रुपीज़ वेस्ट करी सोसाकी राइट्स हा मूवमेंट्स एंड मोटिव वर लार्जली गवर्न बाय द डिसाइक ऑफ लूना बेमिंटन और ये सब उन्होंने क्यों किया उनके जो मूवमेंट्स थे और जो मोटिव था उनका वो किस लिए उन्होंने ये सब करा क्योंकि वो लूना बेमिटन को पसंद नहीं करती थी और वो चाहती थी कि वो लूना बेमिंटन से भी आगे बढ़े लोग उन्हें जाने सो मिसिस पैकेटाइट लूना बेमिंटन से क्यों जेलिसी करती थी क्योंकि लूना हैड ए जॉय राइड इन एन एरोप्लेन फॉर 11 माइल्स विद एन एलिगनियन पायलट मीन्स जो लूना बेमिंटन थी उन्होंने 11 माइल्स तक एक जॉय राइड किया था एक एलिगियन पायलट के साथ एरोप्लेन में सो so, इसको इससे वो बहुत जल गई बहुत जेलसी हुई उनको और दैट्स वाई वो उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान किया बींग नॉट अ प्रोफेशनल हंटर शी टेल्स द विलेजर्स टू अरेंज फॉर अ सेफ़ एंड कम्फर्टेबल शूटिंग ऑफ ए टाइगर क्योंकि मिसिज पैकेटाइड एक प्रोफेशनल हंटर नहीं थी तो वहाँ पर जो विलेजर्स थे उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए एक सेफ़ एंड कम्फर्टेबल प्लेस अरेंज करें ताकि मैं टाइगर को शूट कर सकूँ तो द विलेजर्स हेल्प हर एंड मैनेज फॉर द टाइगर शूटिंग इन प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग वन थाउजेंड रुपीज़ तो जब मिसिज पैकेटाइड ने उनको वन थाउजेंड रुपीज़ दिए तो उन्होंने यानी उन विलेजर्स ने उनके लिए हेल्प करी और एक प्लेटफॉर्म बनाया दे कंस्ट्रक्ट अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर शी कैन शूट द टाइगर यानी कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया क्योंकि एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जाता है कि उसके ऊपर बैठ कर हम लॉयन या टाइगर को शूट कर सकें हाउ एवर शी मिससेज हर टारगेट एंड हिट्स अ रॉन्ग एनिमल दैट इज़ अ गोट इंस्टेड ऑफ़ ए टाइगर लेकिन क्या हुआ उस समय पर जब टाइगर आया वहाँ पर एक गोट को भी बांध रखा था एक ट्री से क्योंकि टाइगर को बुलाने के लिए गांव वालों ने एक गोट को बांधा था ताकि टाइगर आए उस गोट को खाने के लिए तो जब जैसे ही टाइगर आता है और मिसिस स्पैक्टाइड जैसे ही शूट करती हैं तो वो एक्सीडेंटली क्या होता है कि वो जो गोली होती है वो किसको लग जाती है गोट को ना कि टाइगर को शी गेट्स अनोयड वैन हर पेड कम्पेनियन लुइसा मेबन टिल सर दैट शी हिट अ गोट नॉट अ टाइगर लेकिन ये कौन चीज़ नोटिस कर लेता है लुइसा मेबन जो उनकी कम्पेनियन होती है जो उनके साथ प्लेटफॉर्म पर बैठी होती हैं और जब लुइसा मेबन मिसज पैकेलेटाइड को ये बताती हैं कि आपने टाइगर को नहीं आपने गोट को मारा है तो ये सुनकर जो मिसज पैकेलेटाइड होती हैं वो बहुत अनोयड परेशान हो जाती हैं The tiger met his death due to heart failure caused by the sudden report of the rifle. और tiger की death कैसे हो जाती है क्योंकि जब गोली चली तो एक आवाज़ होती है उसमें निकलती है बहुत तेज तो उस आवाज के कारण tiger का heart failure हो जाता है और वो tiger मर जाता है ना कि गोली से Mrs. Packletide is worried to think that all her dreams will be shattered if her rival Luna Bimenton comes to know about the truth. Ab Mrs. Packletide ye सोच के परेशान हो जाती हैं कि कहीं अगर मेरी ये सच्चाई लूना बिबिंटन को पता चल गई तो मेरा जो ड्रीम है वो सब शैटर्ड हो जाएगा और उनको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा शी बाइज अ वीकेंड कॉटेज फॉर मिस मेबन फॉर नॉट रिविलिंग द सीक्रेट ऑफ द टाइगर टू लूना बिबमिटन अब क्या होता है जो मिस मेबन होती हैं यानी कि जो उनकी कंपेनियन होती हैं वो मिसेस पैकलेटाइट को ब्लैकमेल करना करती हैं करना चाहती हैं तो वो अब उनको डर होता है मिसेस पैकेटाइट को कि कहीं मेरा सीक्रेट लोना बेमेंडन को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा तो वो मिसेस मेबेन को एक कॉटेज खरीद के देती हैं जो काफ़ी महंगा होता है यानी ये घर खरीद के देती हैं ताकि वो चुप रहे और उनका ये सीक्रेट किसी को ना बताएं शी फेसिज द कैमराज विद द लाइट हार्ट एंड हर पिक्चर फेम ऑफ टाइगर शूटिंग रीचेज फ्रॉम द पेपर ऑफ़ द टेक्स वीकली स्नैपचॉट टू द इलस्ट्रेटेड इन मॉन्डे सप्लीमेंट ऑफ़ द नोवा ब्रेमिया अब जब कैमरेज आते हैं सामने यानी मीडिया वाले आते हैं उस समय पर क्योंकि उनको उनको अंदर से पता होता है कि उन्होंने टाइगर को नहीं मारा है और वो टाइगर खुद मारा है तो बहुत लाइट हार्ट मतलब जिसे बोलना चाहिए बिल्कुल खुश नहीं होती हैं अनहैप्पी होती हैं वो कैमरे को फेस करती हैं और यहाँ तक कि जो उनकी पिक्चर होती है हर पिक्चर फेम ऑफ टाइगर शूटिंग रीचेज फ्रॉम द पेपर ऑफ़ द टैक्सा वीकली यानी जहाँ पर इनकी फ़ोटो आती है टैक्सा वीकली में वो कहाँ पर पहुँच जाती है उनकी फ़ोटो विल तो स्टेड इन मंडे सप्लीमेंट ऑफ द नोवा प्रीमिया में पहुँचती है लेकिन इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल खुश नहीं होती हैं एज़ फॉर लूना बिमेंटन शी रिफ्यूज टू लुक एट एडमिनिस्ट्रेटेड पेपर फॉर वेक्स अब क्या होता है कि पेपर्स में सब जगह न्यूज़ पेपर्स में मिसिस् पैकेलेटाइट की फ़ोटो प्रिंट होती है और सब उसमें नीचे हेडिंग्स भी होती हैं कि उन्होंने टाइगर को शूट कराए तो ये सब देख कर लूना बिमिंटन को बहुत जेलसी होती है और वो डेली के जो पेपर्स होते हैं उनको भी नहीं देखते मतलब वो पेपर पढ़ना ही नहीं चाहती हैं यहाँ तक कि जो उनका लेटर ऑफ थैंक्स फॉर द गिफ्ट ऑफ़ ए टाइगर क्लॉब रूज जो मिसिस् पैकेलेटाइट ने भेजा होता है उसको भी बहुत मतलब एक अनहैप्पी मूड से उसको वो देखती हैं दस हर एफर्ट टू आउटशाइन हर रेवल बाई शूटिंग अ टाइगर टर्नस आउट टू बी मिस एडवेंचर तो ये जो लास्ट में क्या होता है जो मिसेस फैक्लेटाइट एक तरफ उनको इतना खर्चा करना पड़ता है टाइगर को मारने के लिए विलेजर्स को वन थाउजेंड रुपीज़ देने पड़ते हैं और दूसरी तरफ जब एक झूठ उनका ये पकड़ा जाता है कि वो गोट को उन्होंने मारा है ना कि टाइगर को तो उधर उनकी जो कंपेनियन होती है लोइसा मेबेन वो उनको ब्लैकमेल करती हैं उसको चुप कराने के लिए अपना सीक्रेट रखने के लिए वो उसको भी एक कॉटेज दिलाती है यानी कि ये एडवेंचर उनको बहुत महंगा पड़ता है फाइनली शी गिव्स अ बिग गेम शूटिंग फॉर शी शीडलाइज हर फॉलीज और लास्ट में वो ये गेम शूटिंग जो होता है मतलब जिन्होंने सोचा होता है कि मैं ऐसा करूँगी अब वो शूटिंग हंटिंग सब छोड़ देती हैं और अपनी मिस्टेक्स को रिलाइज़ करती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक करी है जो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ी तो आई थिंक आपको ये समरी अच्छे से समझ में आई होगी और अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी प्लीज़ लाइक करें जिस पर डे टू डे अपडेट होते रहते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो